हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। फिलहाल तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो गाइस इसलिए मैंने अपना खाना वगैरह तैयार करना स्टार्ट कर देता हूँ। आज खाना मैं खुद बनाऊँगा, ठीक है गाइस, आपको दिखाऊँगा अभी। और गाइस आज बदकिस्मत से दाल बनी हुई थी जो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए गाइस मैंने स्टार्ट कर दी को अच्छा सा यमी बनाना। और आज की रेसिपी में मैं आपको अच्छे तरीके से दाल कवर करना सिखाऊँगा। अगर आपको दाल अच्छी नहीं लगती तो इसमें आपने अच्छे तरीके से हर चीज़ जो मसाले वगैरह पड़े होंगे आपके घर में अच्छे तरीके से डाल लेने हैं, और इसके अच्छे तरीके से मतलब उन्हें अच्छे तरीके से जो भी मसाला होगा थोड़ा थोड़ा करके डाल लेना, ज़्यादातर सौंफ वगैरह। फिर आपने उसमें एक चम्मच आधी चम्मच अगर आपके प्योर घी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, दूसरा देसी घी भी डाल सकते हैं, इसके अलावा दूसरा भी डाल सकते हैं। तो गाइस मैंने फिलहाल प्योर घी डाला है इसमें, तो काफ़ी अच्छा था मतलब इसे कर दें। और सिलेंडर पर गर्म करना है आपने, इसे ओवन पर गर्म नहीं करना। आप इसे ओवन पर गर्म करेंगे तो अच्छे तरीके से कैसर नहीं हो पाएगा और साल थोड़ी स्मेल से आने लग जाएगी, इसलिए आप सिलेंडर पर करें, सिलेंडर पर बेस्ट रहता है, सिलेंडर पे अच्छा हो जाएगा। तो गाइस ऐसे मैं गर्म करना स्टार्ट कर देता हूँ, जब ये बन जाता है तो इसकी शेप जो है ऐसी हो जाती है जो दिखने में काफ़ी लजीज लग रही होती है, और दाल खाने का भी अपना अलग से मज़ा आता है। फिर मैं अच्छे तरीके से दाल खाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस जैसे ही मैं इसकी एक से लेता हूँ तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था इसका। तो गाइस आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब जो गाइस थंबनेल की तरफ बढ़ते हैं जिसके लिए मैंने आप लोगों को इधर अट्रैक्ट किया है, तो गाइस वो था मैं मुर्गीज़ का हाउस, आई मीन मुर्गी के लिए घर तैयार कर रहे थे। चलें आप स्टार्ट करते हैं गाइस। उसे स्टार्ट करने से पहले गाइस पहले मेरा काम होता है, मैंने स्क्रिप्ट लिखनी होती है, ठीक है, क्योंकि मेरा शॉर्ट के हवाले से भी एक चैनल है जिस पर मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूँ, मूवीज़ वगैरह की स्क्रिप्ट होती है, शॉर्ट वीडियोस होती हैं अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, तो उनकी स्क्रिप्ट फिलहाल मैं लिख रहा हूँ। ये लिखना बहुत ही मुश्किल होती है और लेकिन लिखनी तो पड़ती है। चलें जी गाइस फिलहाल मैं इसे लिख लेता हूँ, फिर आपको सेकंड चैनल का विजिट भी कराऊंगा। आपने लाजमी उस चैनल को विजिट करना है, इतनी प्यारी वीडियोज़ आई मीन काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ होती हैं, तो आपका एक बार तो ज़रूर देखना बनता है, ठीक है गाइस। अभी फ़िलहाल मैं वो लिख चुका हूँ, तो आप फिलहाल मेरी नानो मेरे पास आ चुकी है, मैं इसे प्यार से नानो कहता हूँ, तो चाची से देख गई थी। ये हमारी गली के मस्त अंडे हैं जो आराम से खड़े थे, तो गाइस मेरे चाचू लग जाते हैं अब घर बनाने के लिए। तो गाइस माशाल्लाह से दिखने में तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, ये सेकेंड डे था, ठीक है इसका आई मीन ये जो बना रहे हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि जल्दी कवर हो जाएगा ये घर, जल चाचू बना लेंगे। तो गाइस फिलहाल ये मेरा छोटा भाई था जो आराम से पता नहीं किस टाइम में खड़ा हुआ, मेरी नानो देखकर इसे परेशान हो रही थी, कह रही थी पता नहीं आज क्या हो रहा है घर में, उन्हें इसने नहीं पता था कि मुर्गी के लिए घर बनना। ये हमारा गाइस कालू है जिसे हम प्यार से कालू कहते हैं, दिखने में तो ज़्यादा वाइट नहीं लग रहा होगा, काला ही नज़र आओगे, बोला काला तो काला ही होता है। चलिए ठीक है गाइस मेरे चाचू बना रहे हैं फिलहाल घर, जैसे ही बनता है मैं आप लोगों का इसका विजिट करवाता हूँ। चलिए जी गाइस आई थिंक घर हो चुका है कम्प्लीट, थर्ड डे है घर आज कंप्लीट हो चुका है, तो दिखने में ठीक लग रहा नज़र आ रहा है, तो हमारी मुर्गे के लिए बेस्ट है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो गाइस अब मैं फिलहाल आपको अच्छे तरीके से विजिट करवा देता हूँ इस घर का जो हमने अपनी प्यारी प्यारी मुर्गियों के लिए बनाया है, क्योंकि गाइस हमारे घर के साथ साथ शायद दूसरे को भी घर होना चाहिए। चलिए जी गाइस अभी फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे चाचू थोड़ा थोड़ा सा काम रहता है इसका, वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो गाइस चलें गाइस फिर मैं करता हूँ अपने बाल वगैरह सेट। और गाइस आज मौसम बहुत ही प्यार हो रहा था, आप देख सकते हैं बारिश आने के अमकान हैं, तो गाइस अचानक से आहिस्ता आहिस्ता बारिश भी होने लग जाती है। तो गाइस ये बहुत प्रीटेस्ट मौसम था, तो मेरा मोबाइल भी गीला होने वाला था, तो आईफोन तो नहीं था इसलिए मैंने उसे फ़िलहाल वगैरह सब ब्लॉग को स्टॉप कर देते हैं। तो गाइस ये हमारी प्यारी प्यारी मुर्गी हैं जिनके लिए घर तैयार हो चुका है, तो अब ये अपने घर में बैठेंगी, बारिश में नहीं भीगेंगी। चले गाइस अब फिलहाल हम नहा लेते हैं, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।